नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। लंबे इंतजार के बाद सोमवार 6 मार्च को आश्रम फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले हजारों लोगों के लिए इस फ्लाईओवर के खुलने से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। लोक निर्माण विभाग ने एक अधिकारी ने रविवार को कहा, मुख्यमंत्री द्वारा दोपहर में उद्घाटन के बाद फ्लाईओवर एक्सटेंशन को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 6 लेन के फ्लाईओवर के खुलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रा में समय भी कम लगेगा। यात्री आश्रम चौक और डीएनडी के बीच 3 ट्रैफिक लाइटों को बायपास कर सकेंगे, जिससे वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। मौजूदा समय में नोएडा और गाजियाबाद से दक्षिण दिल्ली आने जाने वाले लोगों को डीएनडी लूप से आश्रम चौराहे तक आने जाने में जाम से जूझना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को कहा कि फ्लाईओवर के दोनों कैरिजवे पर अभी भी भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है। बारापुला का उपयोग करने वाले यात्री अब गुरुग्राम, चिराग दिल्ली, कालकाजी, खानपुर, ग्रेटर कैलाश, साकेत और एम्स जैसे क्षेत्रों में जाने के लिए आश्रम फ्लाईओवर का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी, उसका एनकाउंटर हुआ है। हत्याकांड में आरोपी उस्मान चौधरी की प्रयागराज पुलिस के साथ कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उस्मान चौधरी घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है। ये इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने इस एनकाउंटर को लेकर बताया, कौंधियारा थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपी विजय उर्फ उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं को लेकर शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपना दर्द बयां किया। राउत ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करना केवल कागजों पर है। इसको केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में राउत ने कहा, इस कदम के बावजूद कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार नहीं मिला है और भाजपा नेताओं के पास उनकी समस्याओं का कोई जवाब नहीं है। संजय राउत ने कहा कि हाल ही में पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर कश्मीर पंडित के समुदाय पर पानी फेर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।